के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास भवन में निपुण भारत निगरानी केंद्र मॉनिटरिंग सेंटर का लोकार्पण किया, साथ ही निगरानी केंद्र की गतिविधियों पर आधारित एक वीडियो का प्रस्तुतीकरण भी देखा और केंद्र के डैशबोर्ड का अवलोकन किया। इस दौरान नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, जीडीए वीसी प्रेम रंजन सिंह, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये गौरवशाली पल साकार रूप में सदृश हो रहा है, मानना है, जोरदार तालियों से इसका हम माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, आपका सादर अभिवादन, अभिनंदन, नमन, वंदन। आप हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, आपके नेतृत्व में अनुरोध करता हूं कि इस मॉनिटरिंग सेंटर की कार्रवाई कैसे निपुण भारत एवं एनडीपी से मार्गदर्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश में पहली बार जनपद गोरखपुर में कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन की शुरुआत की गई है। ये आकलन सरल मोबाइल एप्लीकेशन से किया गया था, जिसके द्वारा शिक्षक भरे हुए ओटियों के रिपोर्ट कार्ड आसानी से अभिभावकों के साथ साझा किए जा सकते हैं। सरल ऐप के इस्तेमाल करें, समृद्ध मैनुअल शिक्षकों को उपलब्ध कराकर प्रशिक्षण दिया गया है, जो लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सभी प्रमुख शैक्षणिक और प्रशासनिक पहल। लर्निंग कम आउट मैं पाठी से संबंधित इस योजना का आज शुभारंभ हुआ है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2016-2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार ने अपना दायित्व प्रारंभ किया था तो समय प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 1,30,00,000 बच्चे विद्यालयों में रजिस्टर्ड थे और बहुत सारे विद्यालयों में जाकर के हम लोगों ने जब देखा तो उस समय ये चीजें सामने मिली थी कि प्रॉक्सी टीचर की एक व्यवस्था यहां पर है। दूसरा, विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, बच्चों को अक्सर ज्ञान के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं थी और जब विद्यालयों की स्थिति खराब होगी तो उनकी परफॉर्मेंस मैपिंग की बात तो अपने आप में बेमानी हो जाती है। तकनीक की बात तो दूर, वहां पर मैनुअल भी कोई काम नहीं हो पाता था, लेकिन पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और तकनीक को अपना करके न केवल पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया है, छात्र और शिक्षक के रेशियो को बेहतरीन किया है, बल्कि दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश संभवतः पहला ऐसा राज्य है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद में छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लगभग 50,00,000 से 55,00,000 बच्चे नए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प में हर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय आज न केवल दर्शनीय है बल्कि बहुत कुछ नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। वहां पर क्लासरूम की व्यवस्था, उन क्लासरूम की फ्लोरिंग, फर्नीचर, बालक और बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास के साथ उनको जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ना, ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम एक जगह से बैठ करके इसका उपयोग कर सके। मुझे याद है जब कोरोना महामारी आई मार्च
2020 में 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और हम सबके सामने उस समय एक समस्या आई कि बड़ी मात्रा में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों की ओर वापस चल दिए। सबसे ज्यादा इस चुनौती का सामना करना था उत्तर प्रदेश को, तो मैंने उस समय इस बारे में कहा राजस्व विभाग से कि वह न केवल प्रवासी कामगारों के लिए बल्कि लॉकडाउन के कारण हमारे कुछ वर्ग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अगर बड़े समुदाय की जान को बचानी है तो समुदाय की समस्या का समाधान करते हुए हमें लॉकडाउन को प्रभावी बनाना पड़ेगा। और लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए मैंने कहा रिक्शा चालक है, मजदूर है, कुल्ली है, ठेला लगाने वाला है, स्ट्रीट वेंडर है, कहां जाएगा? इसके पास कोई ठोर ठिकाना नहीं है, भोजन भी नहीं है। तो कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, तो कम्युनिटी किचन की व्यवस्था को हम मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? तो उस समय हम लोगों ने इस तकनीक को वहां पर अपनाया था और उस समय हम लोगों ने वीडियो वार बना करके लखनऊ में ही और हर एक जिले की कम्युनिटी किचन को उसके साथ जोड़ने और वहां के माध्यम से फिर एक एक कार्य को हम वहां से मॉनिटरिंग करते थे। इतना सफल प्रयोग रहा, उसका परिणाम हम सबके सामने है और मुझे प्रसन्नता है कि निपुण भारत योजना शिक्षा की आधारभूत इकाई, खासतौर पर बेसिक शिक्षा परिषद, जब बच्चों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है तब हम उसके बारे में वह न तो उसको सामान्य ज्ञान ही दे पाते हैं, न उसको अक्सर ज्ञान की जानकारी होती है, न उसको तकनीक के साथ जोड़ने का प्रयास ही कर रहे हैं और अंततः वही बच्चे स्कूल ड्रॉपआउट की जो समस्या खड़ी होती है इसी के कारण होती थी। लेकिन अब निपुण भारत योजना के माध्यम से हम लोग इस समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी और इसका सबसे बड़ा लाभ हमें प्राप्त होगा भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो परिकल्पना है उसको साकार करने में। और मेरा विश्वास है कि आज निपुण भारत योजना न केवल यहां पर रियल टाइम डैशबोर्ड के रूप में यहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ कार्य कर पाएगा बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों को भी इस दृष्टि सभी विद्यालयों को इसके साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कर पाएगा। प्रदेश के अंदर इस प्रकार के सेंटर से बेसिक शिक्षा परिषद में आमूलचूल परिवर्तन लाने में सफल होंगे। इसके माध्यम से ही प्रदेश के अंदर जो अब तक तमाम कार्यक्रम चले हैं